सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सजल सिंह और आज हम करने जा रहे हैं DJI Air 2S और Mini 3 Pro का कंपैरिजन। हम Air 2S की अनबॉक्सिंग भी करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत ही कंपटीशन में है आजकल मार्केट में, क्योंकि सेम प्राइस रेंज में आते हैं। ये आपको समवेयर अराउंड 120 के आसपास पड़ता है, ये 110 से 115 के अराउंड पड़ रहा है इंडिया में इस समय। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, Air 2S अगर आप फ्लाईमोर कॉम्बो लेते हैं तो इसमें आपको क्या ऑप्शन आता है और मिनी 3 प्रो में क्या ऑप्शन आता है। तो जो Air 2S का फ्लाईमोर कॉम्बो है वो एक सिंगल पैक में आता है, इसमें आपको अलग से ऑप्शन नहीं मिलता है। जो भी कंटेंट्स हैं वो एक सिंगल बॉक्स में आएंगे, चाहे वो एक्स्ट्रा बैटरी हो, चाहे रिमोट हो, चाहे कुछ भी हो। अभी आपको बताएंगे क्या क्या मिलता है इसमें। बाकी मिनी 3 प्रो में आपको ऑप्शन मिलता है किट का, इसमें दो किट्स आती हैं, ये भी बता देते हैं आपको। अगर आप स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं मिनी 3 प्रो तो आपको एक सिंगल बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको स्मार्ट RC, ड्रोन, सिंगल बैटरी, कुछ केबल और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलेंगे। किट में आपको दो ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हैं दोनों किट्स अवेलेबल है हमारे पास। एक आपकी 34 मिनट फ्लाइट टाइम वाली आती है जो ये है, इनमें दोनों बैटरीज 249 ग्राम्स की होती हैं, इससे अंडर होती हैं अगर आप इसे ड्रोन में लगाते हैं तो आपको दोनों में 34 मिनट का फ्लाइट टाइम मिलेगा एज क्लेम्ड बाय DJI। इसी में दूसरा ऑप्शन जो है वो बड़ी बैटरीज आती हैं, इनको लगा के आपके ड्रोन का वेट 249 ग्राम से अबव चले जाता है, तो इसमें बैटरी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा मिलती है हमें, 47 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलता है। तो आप दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं लेते टाइम, जो आपको सूटेबल लगे। रेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, दोनों किट्स अवेलेबल है। बाकी आपको बताते हैं हम Air 2S में आपको क्या क्या मिलता है फ्लाईमोर कॉम्बो में। सो गाइस, बात करें Air 2S के फ्लाईमोर कॉम्बो की, तो हमारे पास अभी N1 कंट्रोलर वाला फ्लाईमोर कॉम्बो है। अब हम आपको बताते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है अगर आप ये परचेज करते हैं। लिस्ट ऑफ कंटेंट्स ये यहाँ दी गई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एयरक्राफ्ट मिलता है Air 2S, उसके बाद हमें N1 कंट्रोलर मिलता है जिसमें डिस्प्ले नहीं आता है, उसके बाद हमें मिलती है तीन बैटरीज जिनका ईच बैटरी का फ्लाइट टाइम 31 मिनट्स है। फिर हमें एक चार्जिंग हब मिलता है, आप देख सकते हैं, जिसमें तीनों बैटरी एक साथ आप चार्ज कर सकते हैं लगा के। एक हमें पावर एडेप्टर भी मिलता है इसमें। हाँ, एक चीज फीचर इसका बहुत अच्छा है कि इस एडेप्टर से आप अपने ड्रोन की बैटरी के थ्रू ही अपने रिमोट कंट्रोलर को भी चार्ज कर सकते हैं। सेकेंड, हमें बैग मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंट होता है ये। इसके बाद हमें एक AC का पावर केबल मिलता है, RC केबल मिलती है हमें तीन, हाँ कनेक्टर्स भी हमें तीन मिलते हैं इसमें, USB केबल मिलती है। फिर हमें इसमें एक ND फिल्टर का सेट मिलता है, ND8 से लेकर ND32 तक अलग अलग नंबर के हमें ND के फिल्टर्स मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जहाँ आप इसे फ्लाई कर रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं इसको। एक्स्ट्रा प्रोपेलर मिलते हैं इसमें, चार पेयर प्रोपेलर के भी एक्स्ट्रा मिलते हैं कि कभी क्रैश हो जाए तो आप इसे चेंज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। स्क्रू ड्राइवर मिलता है इसमें, मैनुअल्स मिलती हैं और एक्स्ट्रा इसमें स्पेयर हमें कंट्रोल स्टिक्स भी मिलती हैं, तो इनकेस अगर खो जाए क्योंकि जल्दी से मिलती नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। सो गाइज, ये है कंप्लीट फ्लाईमोर कॉम्बो जिसे हम अनबॉक्स करेंगे अभी। तो गाइज, हम बात करें DJI मिनी 3 प्रो की, तो अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं मिनी 3 प्रो तो आपको इसमें सबसे पहले मिलता है एक एयरक्राफ्ट जो मिनी 3 प्रो है। फिर इसमें स्मार्ट RC मिलता है क्योंकि ये स्मार्ट RC वाला वेरिएंट है, आप देख सकते हैं। इसमें N1 कंट्रोलर वाला ऑप्शन भी आता है, तो उसमें आपको N1 कंट्रोलर मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें एक सिंगल बैटरी मिलेगी, स्क्रू ड्राइवर मिलेगा, दो एक्स्ट्रा पेयर मिलेंगे प्रोपेलर्स के, केबल मिलेगी, मैनुअल भी मिलेगा। और इसको अगर आप किट के साथ परचेज करते हैं तो किट में दोनों में कंटेंट सेम रहते हैं, नंबर ऑफ कंटेंट, बस जो डिफरेंस आता है वो बैटरी का आता है, फ्लाइट टाइम का। तो आप कोई भी बैटरी लेंगे तो जो जो इसमें मेंशन है बाहर बना हुआ है वही सेम आपको मिलेगा। बैग मिलेगा, चार्जिंग हब मिलेगा, दो एक्स्ट्रा बैटरीज मिलेंगी, Type-C to USB केबल मिलेगी और इसमें चार पेयर एक्स्ट्रा पॉपुलर्स मिलेंगे। सो आप लेने से पहले इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं दोनों चीजों को। सो गाइस, इस वीडियो के एंड में हम सीरियल वाइज टेबल भी देंगे कंपैरिजन का, जिसमें सबके फीचर्स और लेंस की जो एक एक स्पेसिफिकेशन है वो डिटेल्ड में डिस्क्राइब्ड होंगी प्रॉपर्ली, तो आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए अपने पर्पज और डिमांड के और यूजेज के हिसाब से। बैग आता है, तो एक तो बैग मिलता है भैया, ये मैनुअल्स हैं आपकी, ये इसमें चार पेयर एक्स्ट्रा पॉपुलर्स आएंगे और ये क्लिप ऑन होते हैं, तो इसमें ना आप स्क्रू भी नहीं चाहिए आपको, स्क्रू ड्राइवर डायरेक्ट आप इसे पिच करके फ्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी एक इंडिकेशन होती है, मतलब जैसे डायगनली फिट करनी है आपने, ऐसे नहीं कि कोई भी प्रॉपर आपके किसी भी आम पे लग जाएगा। okay. इसमें भी इंडिकेशन है, उसमें भी होगी, ठीक है, तो उस हिसाब से आप फिट करना, कभी चेंज भी करोगे। एंड
के फिल्टर्स आते हैं इसमें ना, चार आते हैं सारे नंबर हैं 4, 8, 16, 32, तो आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसमें सेट भी कर सकते हैं। इसका मेजर यूज क्या है? मेजर यूज ये कि बहुत ब्राइट सनलाइट होती है तो डायरेक्ट लेंस पे लाइट पड़ती है, तो आपने देखा होगा वो एक फिल्म सी बनती है सन की ना, रेज की, तो उसको अवॉइड करने के लिए होता है। ओके, बाकी कनेक्टर्स हैं, ये आपकी कंट्रोल स्टिक्स आती है एक्स्ट्रा, दो ना, दो तो इसमें वैसे रहती है, एक्स्ट्रा भी दे रखे उन्होंने दो पे, और ये आपकी टाइप सी टू यूएसबी की। एडाप्टर नहीं देते, वो मिनी टू में कॉम्बो में मिलते हैं, बैक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट आप देखो ये आपका एडीएस है, फिर इसमें आपकी बैटरीज वगैरह आती हैं, ये आपका चार्जिंग हब है, इसमें आप तीनों बैटरी को साथ में चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक केबल यहाँ लगती है, ये डायरेक्ट सॉकेट में कनेक्ट होती है, बैटरी आप वहाँ कनेक्ट करके, बाकी ये एन1 कंट्रोलर है आपका, इसमें स्मार्ट आरसी का भी ऑप्शन आता है, बट थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ऑन करने के लिए वो ये सिंपल सिंगल टैप और लॉन्ग प्रेस, इसमें बैटरी आती है बट ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज आती है ताकि कहीं पे भी ट्रेस ना हो। केबल है आपकी चार्जिंग केबल, ये तीन सेट ऑफ बैटरीज, एक उसमें लगी हुई है, दो इसमें आएंगे, ये पावर एडाप्टर, ये पावर एडाप्टर है और ये तो चार्जिंग का ही है, सिंगल टैप और लॉन्ग प्रेस वहाँ पे, ये थी अनबॉक्सिंग A2S की और कंपैरिजन वीडियो विद मिनी 3 प्रो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, सो थैंक यू।